हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सब लोग? सब लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, यही आशा करती हूँ। और हम सभी बहुत ही अच्छे हैं। और तेजू मुझे हेल्प कर रही है आज का विशेष जो हमारा भोग होता है भगवान जी को लगाने का उसका, क्योंकि आज उगादि है, साल का नया दिन, हमारी पूजा हो चुकी है और राज अभी रेस्ट कर रहे हैं फिलहाल। तो आपसे वापस बाद में मिलवाती हूँ, क्योंकि सुबह से बहुत क्लीनिंग वगैरह उसकी बहुत सारे काम हमने ख़त्म किए। व्लॉग हम लेट स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि आज करने के बहुत सारे काम होते हैं, पूजा होती है, विशेष पूजा होती है, साफ सफाई होती है और विशेष खाना भी बनाना पड़ता है। तो इसीलिए आज थोड़ा लेट व्लॉग स्टार्ट किया है, बट आपसे वापस हम मिलते रहेंगे आज के पूरे व्लॉग में। आज का नया दिन है, साल का नया दिन, नई शुरुआत बहुत ही सुंदर हुई है हमारी सुबह की शुरुआत। और हम चाहते हैं कि हमारा पूरा साल इसी तरह से खुश खुशहाल रहे और आपका हमारा सब इसी तरह बना रहे और इस साल तो मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। बस यही प्रार्थना है आज मेरी भगवान से कि मेरा चैनल जो है वो मोनेटाइज हो जाए। फिलहाल तो मैं खाना बना रही हूँ, आप लोगों से वापस थोड़ी देर वापस मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मेरा क्या क्या रेडी हो चुका है मैं बता दूं। मेरी बैंगन की सब्जी रेडी हो चुकी है, बैंगन का भरते वाली सब्जी, भरा हुआ बैंगन। और सांबर रेडी हुआ है, कटाची आमटी, तो कटिन सार रेडी हो चुका है। चावल मेरे रेडी हो चुके हैं, छोलों के लिए मेरे चने उबल चुके हैं, छोलों के लिए छोले बनाने के लिए चने उबल चुके हैं और उसका जो मसाला है वो रेडी हो चुका है। और ये मुझे तेजू ने ग्राइंड करके दिया है, सो थैंक्स टू हर। और ये उसी को खाना था बाय द वे, इसीलिए बनाया है। और रोटियों का आटा, चपाती का आटा मुझे जानू ने गून के दिया है, तो वो भी रेडी है। और क्या बना रेडी है मेरा, हाँ, सेवैयों की खीर के लिए सेवैयाँ मैंने भून के रखी है, ड्राई फ्रूट्स कट करके रखा है, बेव बना के रखा है, पूरन पोड़ी का पूरना रेडी करके रखा है, मतलब स्टफिंग जो अंदर की, मेरा सुनाई दे रहा है बात, स्टफिंग जो है वो भी रेडी हो चुकी है। तो इतनी सारी चीज़ें फिलहाल तो रेडी हो चुकी है और बज रहे हैं 2, मतलब इट्स टू लेट, बट 2:30 तक सब कुछ हो जाएगा क्योंकि रॉ मटेरियल रेडी है, सिर्फ बघार डालना है फटाफट, वो मैं कर दूंगी। जैसे ही मेरा छोले बनता है, एक जगह पे मैं सेवैयों को रख दूंगी और एक जगह पे मैं अपनी पूरन पोड़ी बनाऊंगी और उसके बाद इमीडिएट में एक चार चपाती भी बना दूंगी। तो हो गया, खाना जरा ज्यादा था और मेरा थोड़ा टाइम पास भी हो गया आज, क्योंकि जिम जा रही हूँ ना, जिम जा रही हूँ ना, इसीलिए एनर्जी सुबह मुझे मिली नहीं रही थी, मैं थोड़ा थक गई थी और आज कुछ ज्यादा ही एक्सरसाइज हुआ। मतलब आप मेरे एक्सरसाइज प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, आज बहुत एक्सरसाइज हुए। पहला वही आएगा वीडियो, तो जब आप ये व्लॉग देख रहे होंगे तो ऑलरेडी वो मैंने अपलोड किया होगा और उसका लिंक मैं आपको दे दूंगी, जरूर देखिएगा। आपसे फिर थोड़ी देर बाद मिलती हूँ क्योंकि मुझे अभी थोड़ा काम है, इसलिए मैं व्लॉगिंग नहीं कर रही थी। क्योंकि क्या होता है ना, आपसे बात करते करते यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है। तो आपको पूरा खाना रेडी होने के बाद आपसे वापस मिलती हूँ। अगर शाम को हमारा थोड़ा बाहर जाने का प्रोग्राम है, गए तो आपको जरूर लेके जाएंगे। चलिए, तो यहाँ पे भोग की थाली जो है वो रेडी कर दी है मैंने और जानू अभी भगवान जी को। और आज हम हिरियर पूजा बोलते हैं, मतलब हमारे बड़े बुजुर्गों की पूजा, उनको उनकी याद में हम पूजा करते हैं। तो वो भी, उसके लिए भी अभी वो भोग चढ़ा रही है, पूजा मैंने कर दी है, भोग जानू अभी चढ़ा रही है। हो गया सबका खाना, हो गया। अब मुझे थाली का वीडियो बनाना है, वो वैसे चढ़ा दिया है बट थाली वीडियो अभी जो आप सीखते हो, अरे नहीं बनाना है, देखिए यहाँ पे अभी तैयारी कर रही हूँ, अभी सारे मैंने वाटियाँ क्या बटला, मेरा मुंह भी अभी मुझे शब्द भी नहीं सूझ रहे। तो अभी पहले मैं थाली लगाऊंगी, उसका वीडियो बनाऊंगी जो रेगुलर मैं करती हूँ थाली सीरीज के लिए, तो वो होने के बाद फिर मैं खाना खाऊंगी, मैं थाली खाऊंगी। तो थाली हमारी रेडी हो चुकी है फ्रेंड्स, आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आपको ये नया साल खुशहाली भरा और सेहतमंद जाए, यही भगवान जी के पास प्रार्थना है। आपका हमारा साथ यूं ही बना रहे और हर साल हम इसी तरह से मिलते रहे। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।